हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष और आज अपने जूनियर का वो हो रहा है, उसकी हड्डी टूट गई है पैर की, तो उस पर प्लास्टर चगने वाला है। वो देखो वो पड़ा हुआ है, भैया करने वाले हैं प्लास्टर। वो लेटे लेटे मैं उत्ते एरिया कर देंगे। भैया गए हैं हंसिया लेने के लिए, अभी भैया गए हैं हंसिया लेने के लिए, आ जाए फिर मिल रहे हैं जब प्लास्टर करेंगे तब। देखो इसको, ये बांधे इसकी हड्डी इधर से इधर क्रैक आ गई है, एल्बो गया इसका, ठीक हो जाएगा। सर आपको डर लग रहा है क्या? पानी डाल, पूरा 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 हो रहा है। वैसे अब पौड़ी में कहीं ज़्यादा दूर नहीं, भैया पता नहीं किधर चले गए, अभी आते ही होंगे। चलो वेट करते हैं और स्टार्ट होगा इसका ट्रीटमेंट। प्लास्टर चगेगा गाइस, अगर पहला कुत्ता इसको प्लास्टर चग रहा है तो देखते हैं कैसे चलता है, फिर मिलता है थोड़ी देर से। भैया भैया आप तो जलेबी खा रहे थे, जलेबी खा रहे थे आप, दो पक्का कर लो, वो है नीचे बनेगा, दो पक्का कर लो। सीक्रेट मीटिंग चलते हुए, चारठी लड़का बच्चा है, हां चारठी है लड़का बच्चे का, जब कर रहा है भैया ये नीचे रहे, भी चाचा के चाटियां बच्चे हैं क्या? चाचा के चाटियां बच्चे 12 है सही है। चलो ये भी ठीक है, ऐसे गांव में भी बकरियों की टांग टूट जाती तो ऐसे बनाते, तो ना ये री तो वैसे अपने स्टेज जुड़ती है वैसे अपने तो। भी क्या है कि अपन पैर को सीधा रख लेते हैं, हाँ हाँ जानवर सीधा नहीं रखता है, तो टेढ़ा ही करेगा बैठने के लिए कुछ करने के लिए, उसको नहीं पता है, उसको तो भी नहीं पता हो दर्द क्यों दे रहा, उसको तो लग रहा होगा क्या हो गया पता नहीं। हंसी कहाँ से लिया वैसे आपने? जलेबी वाले से मांग के लेके आए हो? उसको भी नाप लो ना, लकड़ियों को तोड़ के बनाते हुए। वाह, हाँ खाना तो खा रहा है भी वो। ओह माय गॉड पावर, ये चार बच्चों के पावर। आपकी शादी हो गई ना तब? ये सही है यार। चलिए भैया क्या बता रहे हैं, भैया क्या बता रहे हैं, 12 बच्चे के इनकी नहीं, 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 ये देखो गलत चीज से खाते हैं। सात सात है फिर भी ये। हाँ 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 अच्छा उस दिन का चावल था ना वो, ठीक है वो गई खत्म हो गई वो, उसकी क्या किडनी, वही तो बता रहे थे किडनी में पानी भर गया था, तो क्या कहते एक दिन क्या सबरे लड़ रहे थे उससे, अब आया रहा होगा, अब वो डर गया रहा होगा, जिनकी आदत है छोटे छोटे पहले भगते हैं, बड़ों से पहले छोटे भगते हैं, चाप दिया होगा उसको और क्या। देखो उसमें पहला गरम हो गया उसमें डालो, मरीज बैठा हुआ है, मरीज सर मरीज सर, हेलो मरीज सर इधर देखिए मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे ये है ना, वो ऐसा बैठा जैसे उसका अंदर कुछ गलत करने वाले हैं। बटन लपेटो, नहीं उसका चेहरा ऐसे बांध दिए ना, है ना उसको वही लग रहा है। ट्रीटमेंट हो गया, ये
मैं दूर रहता हूँ। पीओपी प्लस मरीज, अरे ओ मरीज उसने उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी उसने क्या जा घर जिंदा जाऊंगा। चलो इसकी किडनी बेच देते हैं, इनकी तो किडनी भी नहीं बेचने वाली भैया, बिक जाती है दूसरे डॉक्टर, बट फिर वो जो करवाएगा उसी का है। चलो इधर प्लास्टर चलेगा, ये देखो प्लास्टर, तो ये कितने दिन रहेगा भैया इसको प्लास्टर? अभी 21 दिन का रहेगा, 21 दिन, 21 दिन के बाद हमको एक बार चेक करा लेंगे। डूब जाए से डालो और डूब जाए, इधर प्लास्टर जा रहा है गरम आज सुबह, हड्डी टूटी रहती है तो दर्द नहीं होता, हड्डी टूटी रहती है तो दर्द नहीं होता, नहीं होता हड्डियों पर कहीं पता नहीं चलता फिर, बट इसमें क्रैक है तो, बट इसमें अगर अभी क्रैक है तो पूरे उसमें दर्द होगा है ना, बहुत तेज होगी, अपने कुत्ता ही रहा उसी, मेरे को तो बचपन में काटे थे कुत्ते यही पौड़ी में जब रहते थे ना, वो उधर आगे एक उनका भूरा नाम था कालू नाम था पता नहीं, 7 इंजेक्शन लगे थे और मेरे को आज भी डर लगता उसके बाद से इंजेक्शन लगवाने में। एजेंट पी चार रखो बस, हो गया ज्यादा नहीं, इसको दो दो बना लो, इसी का दो ना पतले पतले, कभी नहीं रहते ना तो ये डॉग का केस देखना जरूरी रहता है, इसमें वो लगा दो पौधा और नहीं लगा दो वो है वो पतली पतली और रखी अभी इसको रनिंग मत करा, नहीं नहीं वो पड़ा रहेगा बस, चल भी नहीं रहा बेचारा, एक जगह पड़ा रहता है थोड़ा बहुत चल के बस, देखो ये छोटा साइज हो गया ना पे उसे ही समझ में आ जाता है किसका दर्द अच्छा है, पापा इसलिए भेजेंगे इससे पहले साइड वाले, हाँ ये बात तो है, 2 इंच कम हो गया ना, अब इसको अगर खींचेंगे तो दर्द होगा देखो ये, हाँ ये रात भर हो गया फिर हो गई जिससे पहले वाली खत्म हो गई, पापा सोचे इसको अभी दिल दे दिया है, अभी पब्लिक भी आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, कहाँ जाते हैं ये जो दर्द दर्द के रहते वो बस इंटर मसल में होते क्या? जो अपन आइवरमेक्टिन और ये जो अपन वैक्सीन लगाते हैं यहाँ जो पकड़ते हैं अपन ये अंगूठी के बीच में यहाँ इंजेक्शन डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ अपन डाल रहे हैं ना इतना उठाएंगे अपन सीधे
जो पेनिन वाले इंजेक्शन मसल में लगते हैं ना, मसल्स में सिर्फ जो बीमारी की होती है इंजेक्शन ना वो बस लगते, बाकी ये जैसे रेबीज रेबीज वाले सब सब चमड़े में, जैसे खुजली वगैरह होती है हां सब यही होता है। और ये सब बेस्ट डॉग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है इंजेक्शन। अपन को भी जो इंजेक्शन लगता है ऐसे ही लगता है, ऐसे उठाते जैसे अभी हम इंसुलिन ले रहे हैं तो हम भी ऐसे लगा रहे हैं, हम सब कट लगते हैं। एजेंट भी ना उधर से कट रहे हैं, अपडेट कर सकते हैं। अच्छा आज वैसे बाजार है, आज कार लाने कोई फायदा नहीं, तो कहाँ खड़े करते, खड़े कहाँ करेंगे इसी और कि वहाँ तो गड्ढा बना है। अरे वैसे नहीं, वैसे तो फिर सीधे 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 फोल्ड टाइप के अलावा फिर एक जगह और लगा सकते हैं, जैसे अपना है यहाँ छोड़ दिए अपन एक जगह, ये यहाँ उठा के इधर लगाने के लिए क्या है तो मसल से इधर अपन ले लगा सकते हैं। गाय को लगती ना गर्दन में तो ज़्यादा सर वो, हाँ वो तो अलग लगती है, यहाँ अपन सब तक लगाएंगे तो मसल खुले चलेगा। आजकल वैसे रेबीज की जो आती है वो IM भी आती है ऐसा लगता है। इसको क्या बोलते हैं एक साथ नहीं बैठाते हैं इसको, काटो पहले इसको लपेटे हो लपेट के रख दो, जब टाइट रखना है उसको दर्द होगा पता नहीं, पूरा एकदम बिल्कुल सीधे बनाना टाइट करके एकदम पूरा कस के प्लास्टर चेकिंग है इसको, गर्म नहीं हुआ गर्म प्लास्टर से गर्म Thank you.
पता नहीं देखो चक गए प्लास्टर सर, अच्छा लग रहा है प्लास्टर से वाली पैर में। अब जाओगे सड़क में पीछे करोगे किसी का, लड़ोगे पीछे करते हैं सबका। अब इनको इंजेक्शन लगेंगे फिर दिखा रहे हैं आपको। ये देखो जी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम। गाड़ी साइड पे आओ, छुट्टी हो गई। मरीज आ गया मरीज आ गया, बहुत गंभीर स्थिति है मरीज की। ये देखो मरीज, कोई नहीं मरीज हो रहा। चलो मरीज को इंजेक्शन लगेगा तब दिखाते हैं। ये लग रहा है इंजेक्शन कैल्शियम और क्या भी है, ये कैल्शियम और क्या डाल रहा है, बी कॉम्प्लेक्स। ओके अब लगेगी बेटा तुमको इंजेक्शन। भाई साहब फुल डले हुए हैं मरीज। आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया आप कुछ बताएंगे? अजी मैं वो रास्ते से दौड़ते हुए जा रहा था, घर वाले का पीछा करते गाड़ी वाला उड़ा दिया। क्या बताओ, हमें भी नहीं पता ना क्या था। देखिए गाइस गांव वालों को तो जूनियर कह रहा है, देखिए गाइस सड़क में धीरे से ट्रेवल करे वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी जैसा मैं पड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। ये बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? अगर रहा तो। ये देखो भैया का दिमाग खराब गया, भैया ने इतनी सारी सीरीज ले आए। धुम धुम अब लग रहा है इनको टाइट इंजेक्शन। बाजार है, पकड़ इसको दो। नहीं लगेगी? हाँ चमड़े में लगती है। पड़ा हुआ है बेचारा। अभी एक और है, तीन है शायद। देखो एक और आ रहा है। टोड़ा वेड़े अब रोड साइड मत जाना, देखे ना गाड़ी उड़ा देती है। नशार हो गया। अब ये गाय का भैया बी कॉम्प्लेक्स। इंसानों में कम मात्रा है, इन पे थोड़ी ज्यादा है ना। वही तो मैं इसलिए तो एकदम साइड है, वही तो मेरे को भी लग रहा है। उस साइड ना इंसान अगर ऊपर टांग पड़ जाएगा। ये भागेगा लेकिन देखना ना इसको। ये हाँ सर जी, इसको इस तो रूम में जमा कर देते हैं। चलो गाइस हो गया, लग गए भैया पट्टी खोल लग चेहरे की। हो गया गाइस चलो जूनियर घर लेके चले अब। तो गाइस ये हो गया जूनियर ठीक, अब जूनियर हो गए खुश। जी जूनियर आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाइयों इधर रोड रोड में मत दौड़ना वरना मेरी तरह प्लास्टर चक जाएगा। मैं तो मम्मी का पीछा कर रहा था बट मेरे पीछे गाड़ी आ गई। सब खाते हैं यार ये सब, इनके लिए पापा मम्मी वो पार्ले जी के जिबड़े डब्बे मिठाई के डब्बे सब आते हैं। जलेबी खिलाओ इसको। अभी जलेबी खाएगा
ठीक है गाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोग भी सेफ राइड करें और इसके लिए दुआ करना। मिलते हैं जल्दी, टाटा सायोनारा, बाय जूनियर।